भी हमारी रेडी हो गई है। और ये देखिए मेरी रेसिपी बन के रेडी हो गई है। मैंने पापा के लिए मोदक बनाया है। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और सारा काम ख़त्म कर लिया मैंने मॉर्निंग का। मतलब बड़ा वाला बेटा स्कूल चला गया है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, तो सबका मतलब टिफ़िन नाश्ता ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और अभी छोटे वाले बेटे को उठाया है, वो भी उठा, नाश्ता किया और उसके बाद अभी हो गया है नहाने के लिए क्योंकि उसको जाना है ट्यूशन, तो वो अभी नहाने गया है। और फिर आगे का बाकी का काम सारा अभी मेरा बाकी है, तो चलिए वो भी करती हूँ। और अभी अरिकेत उठ के बैठा है और इनका नाश्ता हुआ है, सिर्फ ये दूध लिए हैं, दूध पिए हैं और देखिए बैठ के ये टीवी देख रहे हैं। तो इनको उठने के बाद इनका टीवी ज़रूर चाहिए, टीवी लगा के बैठ जाते हैं, उसके बाद ही ये नाश्ता करते हैं। अरिकेत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और कुछ नहीं, अभी मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं जाऊँगा नहाने, फिर नहा के ट्यूशन जाऊँगा, ट्यूशन से आके कपड़ा बदल के मैं जाऊँगा स्कूल, स्कूल से आके मैं कपड़ा बदल के जाऊँगा नीचे खेलने। अच्छा, तो मतलब सुबह से लेके शाम तक का तुम्हारा, तुमने पूरा रूटीन बता दिया। हाँ। कि ये तुम करने वाले हो। हाँ। तो ठीक है, फिर अभी बज रहे हैं 10, चलो जाओ नहाने के लिए, टीवी बंद करो और नहाने चलो। पहली बार घर में गणपति बप्पा को ला रही हूँ तो इसलिए अभी घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी चालू है, तो मैंने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर ली है। आज मुझे किचन की साफ़ सफाई करनी है और उसके बाद फिर मुझे मार्केट भी जाना है। तो देखिए पहले मैं किचन की सफाई करती हूँ या फिर पहले मैं मार्केट जाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक रेसिपी भी शूट करनी है जो कि मुझे शॉर्ट्स में डालना है, तो वो भी करना है। तो देखिए आज मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ, तो मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए और आगे देखिए मैं क्या क्या आज करती हूँ। चलो बैग भरो। तो अभी आप लोगों ने देखा कि अरिकेत को रेडी करके ट्यूशन भेज दिया है और मैंने मेरा किचन सेटअप कर लिया है रेसिपी शूट करने के लिए। आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कि मैं रेसिपीज़ कैसे शूट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने लाइटिंग शुरू कर दी है और यहाँ पे एक रिंग लाइट मैं लगाती हूँ और उसके बाद से ये एक पेपर मैंने मंगाया है, तो ये पेपर यहाँ पे बिछाती हूँ और जो भी रेसिपी बनानी होती है वो इंग्रेडिएंट्स रखती हूँ और फिर इस तरह से मैं रेसिपी को शूट करती हूँ। गैस है, तो ये मेरा किचन का छोटा मोटा सेटअप है जहाँ की मैं रेसिपी बनाती हूँ। और अभी वेदांत भी आ जाएगा क्योंकि उसके एग्ज़ाम शुरू है ना, तो वो भी 10:30-11 तक आने वाला है, तो वो भी अभी आ जाएगा। तो चलिए पहले मैं रेसिपी बना लेती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना है। अरिकेत को 12:30 बजे स्कूल जाना है ना, तो उसके लिए फिर मुझे खाने की भी तैयारी करनी है। अब माँ यहाँ पे अपने शॉर्ट्स वीडियो के लिए शूटिंग शुरू करती है, गणपति आ रही है इसलिए माँ आज मोदक का शॉर्ट्स डालेंगी। और ये देखिए मेरी रेसिपी बन के रेडी हो गई है, मैंने पापा के लिए मोदक बनाया है, तो चलिए पहले भगवान को भोग लगाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। पापा को भोग लगा दिया है मैंने और अब ना बड़े बेटे का भोग लगा रही हूँ क्योंकि मेरी सारी रेसिपी की रिव्यू यही देता है। लो तुम भी भोग लगा लो और खा के बताओ कैसा बना है। अच्छा बना है, मस्त बना है। पहला मोदक है ना इस बार का। तो अभी रेसिपी शूट करके हो गया है और अभी छोटा वाला बेटा स्कूल जाने वाला है, तो सबसे पहले उसकी टिफ़िन बना लेती हूँ और फिर उसके बाद आगे का काम करूँगी। तो चलिए फिर फटाफट से उसकी रेडी टिफ़िन रेडी करती हूँ क्योंकि अभी बज रहे हैं 11:30 और फिर उसको 12:30 स्कूल जाना होता है, तो मुझे 1 घंटे के अंदर उसका खाना और उसका टिफ़िन पैक करना है, उसका बैग पैक करना है, ड्रेस तैयार करना है, तो ये काम पूरा करना है। तो चलिए फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ।
मैंने बनाया है लच्छा वाला पराठा और आलू का भुजिया, और अनिकेत का टाइम हो रहा है तो अभी उसको दे देती हूँ। ये लो खाओ। तो आज मम्मी ने मेरी ही क्या पूरे फैमिली की सबसे फेवरेट वाला पराठा बनाया है। आज खाने में बना है लच्छा पराठा और साथ में आलू का भुजिया। ऐसा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है खाने में। मैं तो रुक नहीं पा रहा हूँ, मैं अभी खाता हूँ। तो अभी अभी हमें अमेज़न से पार्सल मिला है, चलिए इसको देखते हैं। ये लो। अरे ये वो है गैस के ऊपर रखने वाला चूल्हा, चूल्हे के ऊपर रखने वाला। सही हाँ, ये जो बाटी के लिए आता है ना अलग से स्टैंड, वो है, वो ऑर्डर किया था ना पापा ने, तो ये आ चुका है। मैंने इसको बीच में से फाड़ दिया, अब जाने दो। तो ये ऐसे लगेगा। क्या हुआ था ना, एक बार मैं बाटी जो ग्लास वाले गैस आते हैं ना उस पर ही बना रही थी, और हीट होके ब्लास्ट हो गया था, पूरा कांच उसका टूट गया था। उसके बाद से हमने उसको रिपेयर कराया, और उसके बाद से ना मैं उस तंदूर में बाटी बनाना बंद कर दी थी। मैंने उसको ऊपर रख दिया था, इसके ऊपर शाम को पहले इसको रख के और टेस्ट करेंगे, और एक बार बाटी भी बना के देखेंगे कि कितना हीट होता है गैस का ग्लास, है ना। पर है बहुत सुंदर, अच्छा है ये। हेलो फ्रेंड्स, मेरा जितना काम था आज पूरे दिन का वो अभी कंप्लीट हो गया है। अब बस मैं जा रही हूँ मार्केट, कुछ सामान लाना है मार्केट से, तो इसलिए अभी जा रही हूँ मार्केट, और उसके बाद फिर आने के बाद बाकी की मतलब शाम की तैयारी, खाने की तैयारी, नाश्ते की तैयारी, तो वो बाकी है। तो अब बस जाती हूँ मार्केट फटाफट से, और जो चीज़ें लेनी है अगर मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो फिर मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। तो अभी चलती हूँ मार्केट, मार्केट से आने के बाद फिर से आपसे मिलती हूँ। तो मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि मैंने क्या ऑर्डर किया है, तो ये देखिए, ये इस तरह से इस पर लग जा रहा है, और ये है हमारा बाटी का कुकर, ये हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और फिर बाटी बनाएंगे। तो ये चीज़ें कब से बंद थी मेरी, 2 साल से, अभी फाइनली ये जब स्टैंड मंगाया है मैंने तो अब इसमें हमारी बाटी बनेगी। तो चलिए अब मैं बाटी बना के भी दिखाती हूँ आप लोगों को इसमें। दाल रेडी हो चुकी है और ये हमारा बाटी, यहाँ पे देखिए बाटी भी हमारी रेडी हो गई है। तो दाल बाटी चलिए रेडी हो गई है, चलिए फिर खाने के लिए सर्व करते हैं इसको। तो दाल बाटी हमारी बन गई है और मैंने थाली सर्व कर लिया है। मुझे ना दाल बाटी के साथ ये चटनी भी बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा ये चटनी भी बनाती हूँ। तो मेरी बाटी की थाली तैयार है, चलिए अब मैं जाती हूँ फटाफट से खाने, क्योंकि गरम गरम बाटी खाने में बहुत मज़ा आता है। तो खाना रेडी है, अब चलती हूँ मैं खाना खाने के लिए। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए फिर बहुत जल्द मिलते अगले ब्लॉग में। थैंक यू फ्रेंड्स।